हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हम जो भी रेजोनेंस इफेक्ट है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वेदर इट इज डोनेटिंग और विड्रॉइंग। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इज प्लस एम इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इज माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय रेजोनेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, तो मीजोमेरिक इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट, या कभी कभी ऐसे आप बुक्स में देखोगे प्लस आर इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट को कई बार आप माइनस आर इफेक्ट इस तरह से भी देखेंगे। प्लस एम इफेक्ट वो ग्रुप शो करते हैं जिनमें इमीडिएट एटम पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। ओ एच हुआ, एन एच, ओ नेगेटिव, एन एच नेगेटिव, और माइनस एम इफेक्ट वो शो करते हैं जिनमें इमीडिएट एटम पर इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, ठीक है, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। या ऐसे ग्रुप्स भी माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं जिनमें क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल फर्स्ट एटम पर होता है, बी एच टू, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल बोरोन पर होगा, माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ओके, तो प्लस एम इफेक्ट एंड माइनस एम इफेक्ट इस तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, अगर बेंजीन से इस तरीके के ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो प्लस एम इफेक्ट बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन कौन सी पोजीशंस पर, ऑर्थो और पैरा पर। और माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं, कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें OH के लिए, तो अगर ये बेंजीन से एसोसिएटेड है, फिनॉल का स्ट्रक्चर है, प्लस एम ग्रुप है ये, और प्लस एम ग्रुप है, हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर बढ़ेगी। ओके, ऑर्थो से ये चार्ज माइग्रेट करके पैरा पर आ जाएगा, और फिर पैरा से फिर ऑर्थो पर जाएगा, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं बेंजीन में ऑर्थो पैरा पर, और माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, सॉरी, माइनस एम इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इस तरीके के कंपाउंड्स में, मान लीजिए कि NH2 को मैंने बेंजीन से एसोसिएट किया, तो ये दो इफेक्ट लगा सकता है, प्लस एम भी, और इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाए तो माइनस आई होगा, क्योंकि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन में थ्रू प्लस एम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। ऑफ प्लस एम एंड माइनस आई, प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाइल मीजोमेरिक इफेक्ट इज कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होगा कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर लगाया जाए OCH3, तो OCH3 इज प्लस एम इफेक्ट, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई भी शो करेगा और प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, प्लस एम इफेक्ट अप्लाई होता है ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी डिस्कस अबाउट दिस कंपाउंड, ओके, तो इसमें अगर हम बात करें, ये भी प्लस एम ग्रुप है, और क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो माइनस आई भी शो करेगा, डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा प्लस एम, ठीक है। NH3+, ठीक है, तो ये ग्रुप क्या है, क्या ये प्लस एम शो कर पाएगा, ये ग्रुप प्लस एम शो नहीं कर पाएगा, ना प्लस एम शो कर पाएगा ना माइनस एम, क्योंकि यहां लोन पेयर की अवेलेबिलिटी नहीं है और कोई वेकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट NH3+ में लगेगा। सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप CH3, तो CH3 में कार्बन पर कोई वेकेंट या कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये माइनस एम या प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा, एंड द ओनली इफेक्ट विच विल बी अप्लाइड विल बी, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट बेंजाल्डिहाइड, सो इन केस ऑफ बेंजाल्डिहाइड द इफेक्ट विच विल बी प्रेजेंट विल बी माइनस एम, बिकॉज इट इज एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ऑल्सो माइनस आई, एंड द इफेक्ट विच विल डोमिनेट विल बी
minus m effect. So minus m will be dominating compared to minus I. So if we talk about Cl or Br or I or F, so what I mean to say is halogen groups. तो हेलोजन ग्रुप्स के केस में दो इफेक्ट लगते हैं, प्लस एम बी और माइनस आई भी, एंड एक्सेप्शनली माइनस आई डोमिनेट्स ओवर प्लस एम. फ्लोरीन के केस में तो समझ में आता है क्योंकि प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई में माइनस आई डोमिनेट करेगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है. और अगर मान लो इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पर हेलोजन को लेकर के बनाते हैं, मान लीजिए यहां पर कोई हेलोजन ग्रुप है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा उसमें इस तरीके से हम बना सकते हैं, जो लोन पेयर एक्स पर प्रेजेंट है वो पाई में कन्वर्ट होगा और पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, इससे पॉजिटिव चार्ज एक्स पर आ जाएगा. तो अगर ये एटम फ्लोरीन है तो यहां पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहेगा और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहने की वजह से क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा बढ़ेगा. तो फ्लोरीन के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, क्लोरीन के, ब्रोमीन के और आयोडीन के केस में ये प्लस एम इफेक्ट वीक होता जाता है, क्योंकि ये जो नए ओवरलैपिंग बनेगी क्लोरीन के केस में, दैट विल बी 2p ऑफ कार्बन एंड 3p ऑफ क्लोरीन, व्हाइल इन केस ऑफ ब्रोमीन 2p ऑफ कार्बन एंड 4p ऑफ ब्रोमीन, एंड इन केस ऑफ आयोडीन 2p ऑफ कार्बन एंड 5p ऑफ ब्रोमीन. इससे जो प्लस एम इफेक्ट है वो वीक हो जाता है, और प्लस एम इफेक्ट इन सारे ही केसेस में, हैलोजन्स के केसेस में प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई में, जो माइनस आई इफेक्ट है हैलोजन का वो डोमिनेट करता है. जो भी इफेक्ट्स है उनको समझाने के लिए वी कंसिडर माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट ओवर प्लस एम इफेक्ट. ओके, देर आर मेनी अदर ग्रुप्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, फर्स्ट थिंग इट विल शो माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, एक्स डबल बॉन्ड वाई एंड ऑल्सो माइनस आई इफेक्ट, द इफेक्ट विच विल डोमिनेट विल बी माइनस एम. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट नाइट्रोबेंजीन, सो इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन द इफेक्ट विल बी माइनस एम एंड माइनस आई. ओके, सो द एनओ टू ग्रुप इज माइनस एम ग्रुप एंड द डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी माइनस एम इफेक्ट. सो एक्सेप्ट हेलोजन्स, सभी में मीजोमेरिक इफेक्ट, चाहे वो प्लस एम हो या माइनस एम हो, डोमिनेट करता है प्लस आई या माइनस आई इफेक्ट पे. मीजोमेरिक इफेक्ट हेलोजन्स के केस में वीक होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से. ओके, सो हेलोजन सारे माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और प्लस एम शो करते हैं, जबकि डोमिनेटिंग इफेक्ट हेलोजन में माइनस आई होता है. मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट क्यों डोमिनेटिंग है, बिकॉज इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल इंडक्टिव इफेक्ट इज पार्शियल ट्रांसफर और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट है, प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट है, अगर ऐसे ग्रुप्स बेंजीन से एसोसिएटेड होते हैं, सो दे अफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स यहां एसोसिएटेड रहते हैं वो कैसे अफेक्ट कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन में इस तरीके के ग्रुप्स एसोसिएटेड हैं, CH3 ग्रुप, ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा बिकॉज इट इज प्लस आई ग्रुप. OH ग्रुप, ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बिकॉज इट इज प्लस एम ग्रुप. Cl ग्रुप, ये दो इफेक्ट शो करता है जैसे कि हम बात कर चुके हैं, माइनस आई और प्लस एम, ठीक है, एंड द डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा. NO2 माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा. So if we discuss the electron density in benzene, सबसे ज्यादा होगी B में क्योंकि plus M effect show कर रहा है, फिर होगी A में, ठीक है, plus I effect show कर रहा है, फिर C में होगी minus I effect show कर रहा है, और सबसे कम electron density होगी D में क्योंकि ये minus M effect show कर रहा है. कई और भी groups हैं जो हम discuss कर सकते हैं on the basis of दे आर प्लस आई, माइनस आई, प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दीज टू कंपाउंड्स,
सो इन दोनों कंपाउंड्स में जो फर्स्ट कंपाउंड है ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा और सेकेंड कंपाउंड माइनस एम इफेक्ट शो करेगा. ओके और प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ेगी और माइनस एम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी सेकेंड के कंपेरिजन में. अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें, फर्स्ट मॉलिक्यूल में साइनोबेंजीन माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है, सेकेंड में CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है और थर्ड में NH2 प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है. तो इसमें अगर हम देखें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी प्लस एम से, फिर प्लस आई से और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी माइनस एम से. इन तीनों में यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो ये ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ये ग्रुप भी प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और ये ग्रुप माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है. और इस वजह से सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी माइनस एम, विड्रॉ कर लेगा. देन इन दोनों में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से और इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी. और यहां पर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी. बोथ आर प्लस एम ग्रुप्स बट नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, मोर डोनेटिंग होगा और ऑक्सीजन क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेस डोनेटिंग होगा. इन तीनों मॉलिक्यूल में अगर हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो ये पहले दोनों कंपाउंड्स माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं और ये कंपाउंड प्लस आई इफेक्ट शो करता है. ठीक है, तो इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज थ्री कंपाउंड्स सबसे ज्यादा सी में होगी. ये दोनों ही विड्रॉइंग है मगर ए और बी के कंपेरिजन में बी ज्यादा विड्रॉइंग होगा क्योंकि यहां पर जो हेलोजन ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा और माइनस आई इफेक्ट से विड्रॉइंग पावर ऑफ सी डबल बॉन्ड विल इंक्रीज. ठीक है, तो बी ए और बी में बी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. If we compare the electron density on all these three molecules, तो ये जो ग्रुप है प्लस एम, ये ग्रुप प्लस एम शो करते हैं. ठीक है, तो हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के केस में होगी, NH2 के केस में और फिर OH के केस में होगी क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं. ठीक है, बट नाइट्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेटिंग होगा इसलिए प्लस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा NH2 के केस में. इसमें अगर हम देखें माइनस आई डोमिनेट करता है, इसमें प्लस आई डोमिनेट करता है और इसमें माइनस एम डोमिनेट करेगा. तो थर्ड नंबर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टॉलुइन में आएगी, फोर्थ नंबर पर आएगी क्लोरोबेंजीन में और फिफ्थ नंबर पर आएगी नाइट्रोबेंजीन में. ओके, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑन द बेसिस ऑफ प्लस एम माइनस एम, प्लस आई एंड माइनस आई ग्रुप्स. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो एडजस्टिव होते हैं. एडजस्टिव ग्रुप्स वो होते हैं जिनमें दोनों ही तरीके के इफेक्ट प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्लस एम भी और माइनस एम भी. फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट नाइट्रोसोबेंजीन, तो यहां पर क्योंकि लोन पेयर है तो ये प्लस एम भी शो कर सकता है और एन डबल बॉन्ड ओ है तो ये माइनस एम भी शो कर सकता है.
ऐसे ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस कैन शो बोथ द इफेक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहां पर CH2+ हमने लगा दिया और NO ग्रुप यहां पे ले लिया, तो NO ग्रुप यहां पर शो करेगा प्लस M इफेक्ट, क्योंकि यहां क्या रहेगा, वेकेंट ऑर्बिटल है, कार्बन पर वेकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है और इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पे बना पाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑर्थो पर, ऑर्थो से आ जाएगा पैरा पर, इस तरीके का आरएस बनेगा। और अब ये वेकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर ये आपस में बॉन्डिंग करके एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ऐसे केस में NO का कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, प्लस M, सिचुएशन डिपेंडेंट है। लेकिन अगर यहां पर कार्बन आयन होता तो क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने लगता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां ज्यादा रहती। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर CH2 नेगेटिव है और हम इसकी पैरा पोजीशन पर NO को लगा देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है और इसको स्टेबिलाइज करने के लिए NO कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस M इफेक्ट। तो इस तरह के ग्रुप्स एडजस्टिव ग्रुप्स होते हैं जो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या तो प्लस M बन जाते हैं या माइनस M बन जाते हैं। और भी कई तरीके के ग्रुप्स हैं जो इस तरह का इफेक्ट शो करते हैं, उनमें एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है विनाइल और एक और ग्रुप है फिनाइल या बेंजीन, ठीक है। तो फिनाइल ग्रुप और विनाइल ग्रुप दोनों ही एडजस्टिव ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर कोई ऐसा एटम लगा देते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो विनाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, और डोनेट करने से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर देता है। तो यह आरएस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाता है जिसके अंदर यह इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा है, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप क्या बन गया इसमें, प्लस एम। ऑफकोर्स अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो क्या करेगा, गेन, तो वो क्या बन जाएगा, माइनस एम इफेक्ट बन जाएगा, माइनस एम ग्रुप बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आ जाती, मान लो ऑक्सीजन एटम हमने लगा दिया, ठीक है, ओ नेगेटिव, तो इसको हमने एसोसिएट किया विनाइल के साथ, अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करेगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमको यहां पे मिलेगा। तो ये ग्रुप क्या बन गया, ये ग्रुप बन गया माइनस एम, क्योंकि ये ग्रुप डोनर है, प्लस एम इफेक्ट है, ठीक है। तो ये एडजस्टिव ग्रुप है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपनी जो मतलब इफेक्ट है उसको चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट बेंजीन, अगर हम यहां पे CH2+ लगा देते हैं तो CH2+ के साथ क्या होगा, CH2+ खुद क्या बन जाएगा, माइनस एम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो शेयर कर लेता है, ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है, इस पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस एम इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो बेंजीन क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डोनर बन गया, ठीक है, एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू CH2+। और अगर मान लीजिए यहां पर NH नेगेटिव हम बेंजीन से एसोसिएट कर देते हैं, तो NH नेगेटिव खुद क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट मींस इट इज प्लस M, और प्लस M है तो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बेंजीन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन कर लेगा एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ये ग्रुप क्या बन गया, प्लस M, और बेंजीन इसमें क्या बन गया, माइनस एम। इस तरह के ग्रुप्स को एडजस्टिव ग्रुप्स कहा जाता है जो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन अपना नेचर चेंज कर लेते हैं, आइदर एस प्लस एम और एस माइनस एम। तो रेजोनेंस के हम लोगों ने दो एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं, फर्स्ट वाज कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और बॉन्ड लेंथ वगैरह हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड वॉज प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, प्लस आर या माइनस आर इफेक्ट, प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एंड माइनस एम मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन हमको करना है, द एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर
कंपाउंड्स, ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, एक एग्जांपल बेंजीन का हम लेकर के इसको समझते हैं। बेंजीन में जितने भी कार्बन आइटम्स होते हैं उन सबके पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं, और ये प्योर पी ऑर्बिटल्स बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। ये सारे पी ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, और ये आपस में जब बॉन्डिंग करते हैं पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो इस तरीके से 3 पाई बॉन्ड जनरेट करते हैं। दिस इज केकुले स्ट्रक्चर। तो एक्चुअल में ये पी ऑर्बिटल्स जो कि एक दूसरे के पैरेलल है और बेंजीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये अपना एग्जिस्टेंस लूज कर देते हैं और ये इंटरमिक्स होकर के मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। अगर हम इसमें देखें टोटल इलेक्ट्रॉन्स, हर एक के पास, हर एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अगर हम इनको फिल करते हैं, लोएस्ट एनर्जी वाला सबसे पहले फिल होगा, फिर हायर एनर्जी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, अनपेयर्ड हो जाएंगे और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर हमको मिल रहे हैं वो क्या है, पेयर्ड है, ठीक है। और इसीलिए बेंजीन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इस तरीके की जो कंपाउंड्स हैं ये कहलाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, द ऑल द एटम्स जो साइक्लिक सिस्टम के पार्ट है, पहली बात द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, और जितने भी एटम्स साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है दे शुड बी प्लेनर। द एटम्स विच आर इन साइक्लिक सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। ओके, हर एक एटम के पास क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल पैरेलल होने से सारे एटम्स जो साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है ये क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। तो सारे पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं, और वो सारे एटम्स जिनके पी ऑर्बिटल्स पैरेलल हैं वो सिस्टम क्या फॉर्म करेंगे, कॉन्जुगेटेड। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट बी प्रेजेंट शुड बी इक्वल टू 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। यहां पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 0 अगर होगा तो कितने हो जाएंगे, 2 pi इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो जाएंगे, 6 pi इलेक्ट्रॉन, ओके। एन की वैल्यू अगर 2 है तो 10 pi इलेक्ट्रॉन। तो इस कॉम्बिनेशन में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे तो सारे पेयर्ड रहेंगे। देखिए सबसे पहले पेयरिंग कब आएगी, 2 पर, फिर कब आएगी, 6 पर, फिर कब आएगी, 4 और जुड़ जाएंगे तब आएगी, ठीक है, दैट मीन्स 10 पर। तो ऐसे 2 pi इलेक्ट्रॉन में 4 के मल्टीपल में अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाते हैं तो सारे पेयर्ड होंगे, और सारे पेयर्ड होंगे तो ऐसा सिस्टम हाईली स्टेबल होगा, और ऐसे सिस्टम को हम एरोमेटिक सिस्टम कहते हैं। तो यहां पर अगर अपन इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन, और ये फॉर्मूला दिया था हकल ने, इसीलिए इसे हकल्स रूल भी कहा जाता है, ओके। तो साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड सिस्टम having 4n plus 2 pi electrons present in conjugation will be highly stable system, and those type of system will be defined as aromatic system. ऐसे सिस्टम की अगर हम बात करें जिनमें 4 के मल्टीपल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट साइक्लोब्यूटाडाइन, सो साइक्लोब्यूटाडाइन में ये सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 4। तो 4 में 4 अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम जब फिल करेंगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल, सेकेंड इसमें जाएगा, थर्ड इसमें जाएगा, फोर्थ इसमें जाएगा, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले क्या होंगे, सिंगल ऑक्यूपाइड होंगे। और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने पर 2 ही मैक्सिमम हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होने पर सिस्टम काफी अनस्टेबल होते हैं, और ऐसे सिस्टम को कहा जाता है एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं, जिनके अंदर सिस्टम में पहली बात साइक्लिक होते हैं, जो भी एटम्स साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है उनमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, और सारे एटम्स जो साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है वो प्लेनर भी होने चाहिए। तो प्लेनर और कॉन्जुगेटेड, ठीक है, होना चाहिए। अगर साइक्लिक सिस्टम है और सारे एटम जो साइक्लिक का पार्ट है वो प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है, तो ऐसा सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो सकता है जब उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। जो n की वैल्यू है क्या होगी, अगर 1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, n की वैल्यू अगर 3 होगी
तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन में अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऐसा सिस्टम हाईली अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, और ऐसे सिस्टम को कहा जाता है एंटी एरोमेटिक सिस्टम। ओके, तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम और एरोमेटिक सिस्टम क्या होते हैं, हाईली, या तो एरोमेटिक है तो हाईली स्टेबल है, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल है। लेकिन जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं, नॉर्मल कंपाउंड मतलब सिस्टम साइक्लिक ही नहीं है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड है मगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है, या फिर अगर साइक्लिक है तो रेजोनेंस नहीं कर रहे एटम, ठीक है, या फिर ऐसा सिस्टम जो साइक्लिक है, ठीक है, मगर यहां देखिए कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये सारे नॉर्मल कंपाउंड्स हैं, और नॉर्मल कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते नहीं है, और ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है नॉन एरोमेटिक। तो सिमिलर टाइप के सिस्टम में जिनमें मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है उनकी अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल रहेंगे एरोमेटिक, उसके बाद होंगे नॉन एरोमेटिक, बिकॉज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉर्मल कंपाउंड्स, ना रेजोनेंस से स्टेबिलिटी गेन कर पाते उतनी ज्यादा, ना उतनी ज्यादा लूज कर पाते हैं, और जो सबसे बड़े लूजर्स होते हैं दे आर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे कम स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करते हैं बेंजीन की स्टेबिलिटी, ठीक है, इन तीनों कंपाउंड्स में हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी एरोमेटिक होगा, और ये कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो इस तरीके से इन तीनों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। कुछ कंपाउंड्स की हम लोग बातचीत करते हैं, ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लिक है, जो एटम साइक्लिक सिस्टम का पार्ट है वो प्लेनर भी है मगर कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि यहां जो कार्बन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, और sp3 है तो कोई वेकेंट पी या लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस इसमें पॉसिबल नहीं होगा, और ऐसा सिस्टम होगा नॉन एरोमेटिक। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैटायन ऑफ दिस कंपाउंड। सो इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, इट इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड, केस ए टाइप ऑफ रेजोनेंस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट, सो द सिस्टम विल बी एरोमेटिक, ओके, विद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इसमें 2 रहेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। इफ यू टॉक अबाउट एनायन ऑफ दिस सिस्टम, सो इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, इट इज कॉन्जुगेटेड, बट हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो इसमें हो गए और 2 लोन पेयर में हो गए, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम ये रहेगा, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 4 पाई, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण सिस्टम हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट, जैसे कि हमने बात करी थी अभी, मगर हम बात कर रहे हैं एनायन की, ठीक है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करी थी, इट इज साइक्लिक, इट इज प्लेनर, इट इज कॉन्जुगेटेड, बट हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो इस तरीके से कंपाउंड्स के लिए हम एरोमेटिसिटी डिफाइन कर सकते हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ द रूल हकल्स रूल, ठीक है। तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होंगे, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी एरोमेटिक होंगे। लेकिन अगर साइक्लिक नहीं है, या कॉन्जुगेटेड नहीं है, या प्लेनर नहीं है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आ रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है नॉन एरोमेटिक सिस्टम। कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि कंपाउंड का जो नेचर है वो क्या है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर हम 6 क्वेश्चन की बात करें तो ये sp3 कार्बन है, एक भी है तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया, और कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहां पर अगर हम देखें 2, 4 एंड 5 पाई इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। यहां पर अगर हम देखें साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड बट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4 एंड 4 विल मेक दिस एंटी एरोमेटिक। इफ यू टॉक अबाउट 9th, सो 2, 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन इट विल बी साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड एंड द नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ sp3 कार्बन। ओके, इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, अगेन इट विल बी नॉन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ sp3 कार्बन, कॉन्जुगेशन नहीं होगा। यहां अगर हम देखें, पहली बात, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक ही लोन पेयर होगा जो इन पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल होगा, जो पी पाई बना रहे हैं उन पी ऑर्बिटल्स के पैरेलल एक ही लोन पेयर होगा। तो जब किसी एटम के पास दो लोन पेयर होते हैं तो हम एक ही लोन पेयर को कॉन्जुगेशन का पार्ट काउंट करेंगे, दूसरे लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन का पार्ट काउंट नहीं करेंगे। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन विल मेक द कंपाउंड एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट यहां पर हम देखें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6 एंड 2, 8, सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इट विल बी एंटी एरोमेटिक। तो जब भी किसी एटम के पास दो लोन पेयर्स हैं और वो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है तो एक ही लोन पेयर होगा जो दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होगा, वो एक ही डायरेक्शन होगी। जो सेकेंड लोन पेयर होगा वो सेम या पैरेलल नहीं हो सकता है, तो एक लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में काउंट करेंगे और दूसरे लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में काउंट नहीं करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड पिरिडीन। पिरिडीन की हम बात करें, सो साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2, 4 एंड 6। यहां पर ऑलरेडी एक पाई बॉन्ड एटम के पास है और इसकी डायरेक्शन जो पी ऑर्बिटल की है वो इनके पैरेलल रहेगी, तो ये लोन पेयर उस डायरेक्शन में नहीं आ सकता है जिसमें ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑलरेडी P ऑर्बिटल्स नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है जो बाकी P ऑर्बिटल्स के पैरेलल है, तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस का पार्ट नहीं हो सकता है या कॉन्जुगेटेड नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में हम लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इट विल बी एरोमेटिक। ओके, इफ वी टॉक अबाउट पायरोल, इस क्वेश्चन में हम देखें तो यहां पर नाइट्रोजन के पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है और इसके लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में लेंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इस कंपाउंड का नेचर भी हो जाएगा एरोमेटिक।
बोरॉन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होगा जिससे कि कॉन्जुगेशन कंप्लीट रहेगा. बोरॉन कार्बन कार्बन कॉन्जुगेटेड केस वन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वेकेंट, टू पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये सिस्टम रहेगा एरोमेटिक. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये टू पाई इलेक्ट्रॉन और ये टू पाई इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर को काउंट करेंगे, दूसरे को काउंट नहीं करेंगे. फोर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर हो जाएगा एंटी एरोमेटिक. यहां पर भी हम देखें टू और टू फोर पाई इलेक्ट्रॉन है और फोर पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर विल बी एंटी एरोमेटिक. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्यूरेन. सो यहां पर अगर हम देखें टू प्लस टू प्लस टू सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के साथ द नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक. थायोफीन, ओके, सो थायोफीन में टू प्लस टू प्लस टू सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर एरोमेटिक्स. ठीक है, सो दिस इज फ्यूरान, दिस इज थायोफीन, दिस इज पिरिडीन, दिस इज पायरोल. ओके, इफ वी टॉक अबाउट दिस कंपाउंड, तो हम बात करें टू पाई इलेक्ट्रॉन टू पाई फोर प्लस टू सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे. सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के साथ द नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक. इस कंपाउंड की बात करें हम, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, एक भी लोन पेयर काउंट नहीं होगा क्योंकि एटम के पास पहले से पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, अगर पाई बॉन्ड्स पहले से हैं तो लोन पेयर बाहर रहेंगे, कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होंगे और ऐसे में सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक. The compound with 4 pi electron cyclic planar conjugated 4 pi electron, the compound will be anti-aromatic. If you talk about inorganic benzene, okay? So number of pi electron, sorry, number of pi electron which are in conjugation 2, 4 and 6, and with 6 pi electron, the nature of compound will be aromatic. So inorganic benzene is also an aromatic compound like benzene. So these are the derivatives of benzene. If we talk about their stability, it will be 2 less, 2, 4, 6 and 8, 8 pi electrons ke saath, the nature of the compound will be anti-aromatic. Similarly with the 4 pi electron, the nature of the compound will be anti-aromatic. Okay. So if we talk about 7 member ring, so for this compound, the carbon atom is sp3 hybridized. And in any case, the compound cannot be aromatic or anti-aromatic because the conjugation is not complete in the cyclic system and the nature will be non-aromatic. But if we take the derivative of this compound, okay, so agar hum is cation ki baat karein, first, second and third, 3 pi bond, matlab 6 pi electron ke saath, the nature of the compound is aromatic. ऐसे कंपाउंड्स जो 7 मेंबर रिंग बनाते हैं और नेचर एंटी एरोमेटिक आता है, फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड साइक्लिक है, ठीक है, कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो जब कार्बन एटम का नंबर 7 या उससे ज्यादा होता है तो ऐसी रिंग्स एंटी एरोमेटिक नहीं हो पाती हैं. इनफैक्ट क्या होता है, ये अपने प्लेन को लूज कर देते हैं, ये ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो नॉन प्लेनर रहता है.
ठीक है, और नॉन प्लेनर होने के कारण क्या होता है, कॉन्जुगेशन हो नहीं पाता है. सेवन मेंबर रिंग इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी दे मूव आउट ऑफ प्लेन, और आउट ऑफ प्लेन जाने के कारण, नॉन प्लेनर होने के कारण क्या हो जाते हैं, ये नॉन एरोमेटिक हो जाते हैं. तो ऐसी मोनोसाइक्लिक रिंग जिनमें सेवन, मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही साइक्लिक होना चाहिए, जिनमें सेवन एटम्स हैं, वो कभी एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे, वो नॉन प्लेनर चले जाएंगे जिससे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और नॉन एरोमेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. एक और एग्जाम्पल है इसी तरीके का, यहां पर अगर मैं ऑक्सीजन प्लेस कर दूं तो इसमें भी सेवन मेंबर, ठीक है, इट इज अ सेवन मेंबर साइक्लिक रिंग. एंड अगर हम ऐसे देखें, अगर ये प्लेनर होता तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते, एंटी एरोमेटिक होता, तो ये कंपाउंड क्या होता है, नॉन प्लेनर चला जाता है, और नॉन प्लेनर जाने के कारण कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाता है, और एटम्स तभी कॉन्जुगेट कर सकते हैं जब वो प्लेन में हो, और नॉन प्लेनर है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, तो ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं नॉन एरोमेटिक. बट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर मोनोसाइक्लिक रिंग एंड ऑल्सो वेन द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग आर सेवन और मोर, सात या उससे ज्यादा एटम्स होने पर ये रिंग्स आउट ऑफ प्लेन चली जाती हैं. एक और एग्जाम्पल हम देखें इस तरीके से, तो अगेन इट इज अ सेवन मेंबर रिंग एंड अकॉर्डिंग टू द रूल अगर ये कॉन्जुगेटेड होता, प्लेनर होता, तो ये एंटी एरोमेटिक होता, बट ये एक्सेप्शनली नॉन प्लेनर चला जाता है एंड द नेचर ऑफ दिस कंपाउंड बिकम्स नॉन एरोमेटिक. ओके, क्वेश्चन नंबर 31, इसमें अगर हम देखें तो यहां पर क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो 2 + 2 + 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ द नेचर ऑफ द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक. इस क्वेश्चन में अगर हम देखें 2 + 2 + 2, अगेन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बोरॉन पर प्रेजेंट होगा वेकेंट ऑर्बिटल, कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी एरोमेटिक. सो लोन पेयर एंड वेकेंट, लोन पेयर वेकेंट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो जाएगा, कंपाउंड विल बी एरोमेटिक. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, मगर यहां पर sp3 कार्बन है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, द कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक.
इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पाई बॉन्ड क्या रहता है कि साइक्लिक में और बाहर एक्सटर्नली प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे में हम इसके क्या करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम जब ड्रॉ करते हैं तो लोन पेयर पाई में और पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, ऐसे बना सकते हैं। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है 2, 4 and 6 pi इलेक्ट्रॉन, और 6 pi इलेक्ट्रॉन के साथ द नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, तो जब भी पाई बॉन्ड बाहर आ जाए तो आप एक RS बना लें। एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर एरोमेटिक है तो क्या होगा, द मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटिक। बट इतना ध्यान रखें कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करा दिए। तो अगर ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन का पाई इसके पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पर प्रेजेंट लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 35 में भी है, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई इनटू लोन पेयर। ऐसे केस में भी जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मॉलिक्यूल ऑब्टेन होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर H है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 4 and 6 विद 6 pi इलेक्ट्रॉन, द नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज 36, पाई को हम O की तरफ शिफ्ट करा दें, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो ऐसे हम बना सकते हैं, और ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, रिंग की बात अगर हम करें तो टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, जैसे कि टोलुइन की बात करें तो रिंग अगर एरोमेटिक है तो सब्सटीट्यूएंट्स कोई भी हम यहां पे लगा दें, नेचर हमेशा एरोमेटिक ही रहता है। ठीक है, OH, COH, NO2 कोई भी ग्रुप हम यहां लगा दें, मल्टीपल नंबर में लगा दें, अगर साइक्लिक रिंग का नेचर एरोमेटिक है तो पूरे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहते हैं। बेंजोइक एसिड ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, यहां अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2, 4, 6, 8, 10 and 12, तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ होना क्या चाहिए था, एंटी एरोमेटिक। मगर नंबर ऑफ जो एटम्स है वो 7 या उससे ज्यादा है तो ऐसे कंपाउंड का नेचर आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। या हम ये बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड प्लेनर रहेगा ही नहीं, नॉन प्लेनर हो जाएगा जिससे नेचर गेन कर लेगा, नॉन एरोमेटिक। सिमिलरली यहां अगर अपन बात करें द नेचर ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट हमने लगाया है साइक्लिक रिंग एरोमेटिक है, तो ओवरऑल कंपाउंड जो होगा वो एरोमेटिक ही होगा। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पाई विल कन्वर्ट इनटू, सॉरी, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई, दिस पाई इनटू अनदर पाई एंड दिस पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो इस तरीके का हमें एक RS बनाना पड़ेगा, और एक बार हम ये RS बना लेते हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कंपाउंड है इसका नेचर एरोमेटिक है। ठीक है, विद द 6 pi इलेक्ट्रॉन द नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल इस कंपाउंड की हम बात करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हम शिफ्ट करा दें, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट कराने से ये कंपाउंड साइक्लिक रिंग बन जाएगी 3 मेंबर, और 3 मेंबर 2 pi इलेक्ट्रॉन के साथ नेचर ऑफ द कंपाउंड इज एरोमेटिक। एक और क्वेश्चन हम देखें इसमें, ठीक है, तो अगेन ये जो लोन पेयर है ये पाई तो ओ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2, 4 और 6 pi इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जो पाई बॉन्ड है ये साइक्लिक रिंग से बाहर चला जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा। सो 2, 4 and 6 pi इलेक्ट्रॉन और 6 pi इलेक्ट्रॉन के साथ ये कंपाउंड भी 41 की तरह जो नेचर रहेगा वो एरोमेटिक होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट के बारे में, और हमने डिस्कस किया ऐसे ग्रुप्स भी एडजस्टिव, ऐसे ग्रुप्स भी हो सकते हैं जो दोनों तरीके का नेचर शो करते हैं, प्लस एम और माइनस एम, और उन ग्रुप्स को कहा जाता है एडजस्टिव ग्रुप्स। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप के लिए एक से ज्यादा इफेक्ट्स भी शो करने की टेंडेंसी रहती है। जैसे कोई ग्रुप अगर एम इफेक्ट और आई इफेक्ट दोनों शो कर रहा है तो एम इफेक्ट डोमिनेट करता है, मगर हैलोजन्स के केस में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है प्लस एम पर।
फिर हमने डिस्कस किया एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन रेजोनेंस का, दैट इज एरोमेटिसिटी, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक सिस्टम. एरोमेटिक क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, ये बात हमने डिस्कस की. और मोनोसाइक्लिक अगर कंपाउंड है, एक ही साइक्लिक रिंग है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है. आगे वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल साइक्लिक सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा रिंग्स पॉसिबल हों, एंड देन वी विल डिस्कस द जो भी हमने एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक पढ़े हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, जो क्वेश्चंस हैं, जो रिएक्शंस हैं, उनमें क्या स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए किस तरीके से एरोमेटिसिटी काम में आता है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.